प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की 13वीं और अंतिम कड़ी। ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई। साथियों, इस धारावाहिक के जरिए हमने कालजयी विदुषी और समाज सेविका पंडिता रमाबाई सरस्वती के जीवन वृत्तांत का संक्षिप्त किंतु सार गर्भित परिचय प्राप्त किया। भारतीय स्त्रियों के कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन जो साधना की उसे हमने जाना और समझा। बालिकाओं, कन्याओं, युवतियों, गृहिणियों या फिर वैधव्य जी रही स्त्रियों को शिक्षित, सबल, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए पंडिता रमाबाई जीवन भर प्रयत्नशील रहीं। उनकी कर्मलीला को समाप्त हुए आज 125 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। यकीनन इस काल में भारतीय स्त्री की दशा में कई सुखद परिवर्तन आए हैं, लेकिन अगर हम नारी जीवन से जुड़े विविध पहलुओं को देखें तो समझ आएगा कि ये परिवर्तन आटे में नमक के बराबर हैं। जरा सोचिए, क्या आज भी भारत की करोड़ों स्त्रियों, बच्चियों और युवतियों को किसी रमाबाई की आवश्यकता नहीं है? पर यह भी तो सच है दोस्तों कि हर युग में पंडिता रमाबाई पैदा नहीं होती। रमाबाई हर युग में पैदा होती है। तुम क्या समझते हो? मेरी जीवन लीला समाप्त होने के साथ साथ मेरे प्रयत्नों की आभा भी समाप्त हो गई? नहीं, मैं तो सदा सदा के लिए हर भारतीय के मन में समाई हूं। टटोल कर देखो, तुम में से हर एक को अपने अंदर एक रमाबाई महसूस होगी। हर पुरुष, हर स्त्री, हर भारतवासी के अंतर्मन में। तुम चाहो तो उसको सुनो, समझो और फिर वैसा ही करके भी दिखाओ। जिस दिन तुम्हें अपने प्राणों में मेरे अस्तित्व का आभास होगा, उस दिन तुम्हारा हाथ किसी अबला के आंसू पोंछने के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। कई दशकों बाद उस ज्योतिर्पुंज ने हमें फिर राह दिखाई है, तो आइए देखते हैं कि हमें नारी जीवन के कौन से अंधेरों को इस प्रकाश से मिटाना है, दूर करना है। अरे बहू, सुनती है? अरे उठ। क्या बात है माँ जी, इतने तड़के उठकर मैं क्या करूंगी? अभी तो बस 4 ही बजे होंगे। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, पर आज अमावस्या है। इस दिन मुंह अंधेरे जो गर्भवती टीले वाले पीपल की पूजा करके नदी में नहाती है ना, उसके हर हाल में लड़का होता है। पर माँ जी, इतनी ठंड में नदी में स्नान करने से तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे कुछ ना होता, पीपल देवता सब भली करेंगे और फिर पुत्रवती होने का सौभाग्य भी तो तुझे ही मिलेगा। माँ जी, आप भी एक औरत हैं, एक माँ है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक माँ के लिए तो पुत्र और पुत्री दोनों बराबर होते हैं। ये बखान मुझे ना सुना, दुनियादारी की बात जान।
लड़का तो परिवार की खुशहाली का, कमाई का जरिया समझा जावे है, और लड़की खर्चे का। पालो पोसो और भेज दो ससुराल, फिर भला लड़की जनने का क्या फायदा? नहीं माँ जी, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अरे लड़का जनेगी तभी तो इज्जत और मान पाएगी घर परिवार रिश्तेदारी और बिरादरी में, नहीं तो सब कहेंगे गोद भी भरी तो लड़की से। अरे चल उठ, चल उठ। घर की बहू लड़के को जन्म देगी तो ही कुल परिवार में इज्जत मान पाएगी। हालांकि ना तो इसमें बहू की किसी भाग्य रेखा का दोष है और ना ही मातृत्व गुण और शारीरिक संरचना का, लेकिन फिर भी वो लड़की पैदा करने पर कुनबे भर की बातें सुनती है। पंडिता रमाबाई ने इस चलन के विरोध में आवाज उठाई। खुद उनके जीवन दर्पण में कोई झांक कर देखे तो अपने यहां लड़की पैदा होने पर गर्व से मस्तक ऊंचा कर ले। पर कितनों ने समझी ये बात? शिक्षा बढ़ी, ज्ञान फैला, जमाने ने नई तकनीक सीखी, लेकिन अफसोस इस चलन की कड़वाहट कुछ कम नहीं हुई। हां, उसका रूप अवश्य बदल गया। देखिए क्या ये सब करना। अरे अब क्यों सकुचा रही है? सकुचाऊ नहीं तो और क्या करूं? सबको गाकर बताऊं कि तुम मुझे यहाँ क्लिनिक में क्यों लाए हो? अरे मेरा मतलब था कि यहाँ हमें पहचानने वाला कौन है। हाँ, आप बताइए। जी ये मेरी पत्नी है डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये गर्भवती है और हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की, मतलब कि तुम भ्रूण के लिंग की जानकारी चाहते हो। जी हाँ, वो अल्ट्रासाउंड तकनीक। देखो मुझे समझाओ मत कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक बार बताओ पैसे लेकर आए हो? जी हाँ, वो छोटे डॉक्टर साहब ने जो रकम बताई थी ना पूरी लेकर आए। ठीक है, उधर बैठो, मैं अभी तुमको बुलाता हूँ। जी सुनिए जी, ये डॉक्टर तो बड़ा ही रूखा सा है। अरे तो हमने कौन सा इससे रिश्ता जोड़ना है, अपना काम निकालना है बस। क्यों? अगर पता चला कि मेरी कोख में लड़की पल रही है तो फिर गर्भपात करवाने के लिए क्या किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओगे? फिर भी तो यही आना पड़ेगा ना। अरे चुप कर, चुप। तो देखा आपने आज का ये चलन। इस सच्चाई का एक कारण पंडिता रमाबाई ने वर्षों पहले हमारे सामने रख दिया था। उन्होंने कहा था कि स्त्री ही असल में स्त्री की शत्रु बन जाती है। जब वही अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर इस पुरुष प्रधान समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है? शायद कुछ स्त्रियां भूल जाती हैं कि उन्होंने भी अपनी मां की कोख से जन्म लेकर इस संसार को देखा था, पर आज वो अपनी बेटी का दम चलने से पहले ही उसका दम घोटने को तैयार हो जाती हैं, छीन लेती हैं अपनी ही संतान से उसके जीने का अधिकार। तुम्हारे ही खून का रूप है तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी ही ममता की निशानी है वो सच्ची। लेकिन अगर ममता की इस निशानी को संसार में आने का अवसर मिल भी जाए तो फिर उसे भेदभाव का ये रूप क्यों झेलना पड़ता है? यो के देख रहा हूं मैं। अजी आते ही घर में क्या देख लिया आपने? अरे इस छोरी को सबसे पहले रोटी डालकर क्यों दे दी तूने? छोरी भूखी थी, रोटी मांगी उसने तो दे दी मैंने, कोई पाप हो गया के? अरे परिवार के नियम को तोड़ना पाप नहीं तो और क्या है? जब हमारे घर में बच्चियां और औरतें मर्दों के खाने के बाद ही रोटी खाती हैं तो तूने पहले क्यों दे दी इसे? रख दे थालियां, पहले तेरा भाई खाएगा। रख दे मेरी बेटी, अभी से इस बात की आदत ना डालेगी तो सारी उम्र ना इंसाफी कैसे सहेगी। बेटी से रोटी तो छीन ली पर उसके कपड़े का भी ख्याल है या वो भी भूल गए? तुमने आज उसके लिए कुर्ती का कपड़ा लाना था। अरे उसकी कुर्ती से ज्यादा जरूरी पप्पू की वर्दी का कपड़ा था। भाई छोरा आखिर स्कूल जाता है, थैले से कपड़ा निकाल ले, उधर साइकिल पर टंगा थैला जा। तो क्या बेटी के लिए नई कुर्ती जरूरी ना थी? अरे उसने कौन सा कहीं बाहर जाना होता है। और सुन, लड़की ने चूल्हा चौका सिखा ना कि नई नई कुर्तियों का शौक डलवा समझी।
यो घर का काम सीख जाए तो फिर मैं कर दूं इसके हाथ पीले और भेजू पराई इमारत ने इसके असली घर। रह छोरी, तेल डाल दे सिर में जरा, घर में घुसते ही दिमाग खराब कर दिया आज तक, जल्दी ला। साथियों, इसी धारावाहिक की एक कड़ी में हमने पंडिता रमाबाई का ये कथन सुना था कि स्त्री जब बच्ची होती है तो पिता की दहशत में जीती है, ब्याही जाती है तो पति की आज्ञा में जीती है, और जब वृद्धा हो जाती है तो पुत्रों की दया पर जीती है। पंडिता रमाबाई के भाई श्रीनिवास ने अपनी पत्नी राधा को त्याग दिया था, तो रमाबाई जीवन भर अपने भाई के इस कृत्य के लिए उसकी आलोचना करती रही। उस युग में पत्नी पति के घर पर ही अपनी उम्र गुजार दे तो इसी को उसका अधिकार माना जाता था, लेकिन आज के दौर में अधिकारों की यह परिभाषा और स्वरूप बदल गए हैं। आइए ये छोटी सी बातचीत सुनते हैं। ए, सुनना। क्या कर रहे हो? क्या बात है आज? वो आज मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे मैं भी तो दिन भर का थका हूँ, और जानती है ना, पत्नी को अपनी बाहों में भरकर पति दिन भर की थकान भुला देता। अब आ ना जल्दी। तुम समझते क्यों नहीं? देखो, बिना किसी साधन को अपनाए ये सब खतरनाक है। मेरी सेहत ठीक रहे और तुम्हारी कमाई में परिवार का गुजारा चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा दूसरा बच्चा अभी ना हो। तो ये सावधानी अपनाने की जिम्मेदारी का मेरी है, हा? क्यों? क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि अभी मेरे लिए ये सब अपनाना ठीक नहीं? देखो, तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी झंझट में मत फंसा। अरे ये सब औरतों के मामले, समझ में आया तेरे? पर अब आगे से कुछ मत बोलिए, चुप। पत्नी का सच्चा धर्म यह है कि वो अपने पति की इच्छा का ख्याल रखते हुए, धर्म और परमेश्वर का ध्यान करते हुए और अपना आचरण पवित्र रखते हुए अपने परिवार के मंगल की सोचे। रमाबाई ने यही कथन अनेक सभाओं में कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने स्त्री को अपने वजूद का एहसास न खोने देने की ताकीद भी की। उन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक बार ये पूछा कि जन्म लेने वाली बच्ची भी अगर माँ बाप के प्यार, नसीब और खून की निशानी है तो फिर उसके साथ भेदभाव करना क्या उचित है? क्या आहार, पोषण, शिक्षा और दुलार पर उसका हक नहीं? वो किसी दूसरे का वंश महकाए, पर क्या उसमें पिता के वंश का अंश नहीं है? जब वो ब्याही जाए तो क्या परिवार या हर मामला उसे ही सुलझाना है? क्या प्रजनन जीवन की हर जिम्मेदारी उसी की ही है? जब विवाह के समय उसे सहभागिनी के रूप में स्वीकार किया गया था तो फिर उसे मात्र सेविका ही क्यों मान लिया जाता है? संभव है मेरे जीवन के पन्नों को पढ़ने के बाद आपके जहन में भी ऐसे ही प्रश्न उठ रहे हों, तो उत्तर जानने के लिए अपने ही मन को टटोलिए। यहां यक्ष भी आप हैं और युधिष्ठिर भी आप ही हैं, राही भी आप हैं और रहनुमा भी आप ही हैं, पथ भी आपका है, पथ प्रदर्शक भी आप ही हैं। सच कहती हूं कावेरी, पंडिता रमाबाई की कथा पढ़कर तो मैं अभिभूत हो गई। हाँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ। कावेरी, रमाबाई ने स्त्रियों के कल्याण की कहानी को पहले अपने जीवन के पृष्ठों पर लिखा और फिर दूसरों को सुनाया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, देश विदेश की यात्राएं की, बालिकाओं को पढ़ाया लिखाया, विधवा स्त्रियों का उद्धार किया। मुझे लगता है प्रिया कि रमाबाई का मकसद और मंजिल तो आज भी मौजूद है, बस तरीका और तदबीर बदल गए। हाँ कावेरी, आज भी हम किसी न किसी माध्यम से पंडिता रमाबाई के सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रिया मैम साहब। मैम साहब, आपके घर से फोन आया है, गांव से आपकी माँ जी आई हैं। माँ जी आ गई हैं?
अच्छा कावेरी, अब मैं चलती हूँ, बाद में तुमसे बात करती हूँ। अच्छा प्रिया। प्रिया माँ जी, आप आ गई। अरे बहू, तू तो भली चंगी है। क्यों माँ जी, मुझे क्या होना है? अरे तो फिर मुझे तार देकर गांव से क्यों बुलवाया? लिखा था आपकी जरूरत है, जल्दी आ जाओ। मैंने तो सोचा बहू कहीं फिर से तो कोई खुशखबरी नहीं सुना रही। नहीं माँ जी, अब बच्चों और घर के अलावा आपकी बहू को देश और समाज के प्रति भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना। क्या मतलब बहू, मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जब तक नगर पालिका के चुनाव नहीं हो जाते तब तक आप यहीं रहिए और घर की जिम्मेदारियां संभालिए। चुनाव के दौरान मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी घर को। पर चुनाव तो एक दिन का ही होना है ना, बस वोट डालना है और घर लौट आना है। नहीं माँ जी, मुझे इस बार सिर्फ वोट डालना ही नहीं, लोगों का वोट लेना भी है। क्योंकि इस बार अपने इलाके से चुनाव में मैं खुद खड़ी हो रही हूँ माँ जी। क्या कह रही है तू बहू, अरे ये सब तो मर्दों वाले काम है, ये करने की क्या सोची तुझे? माँ जी आप आराम से यहाँ बैठिए, लीजिए ये ठंडा शरबत पीजिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको मेरा निर्णय गलत नहीं लगेगा माँ जी। बहू तू वोट लेने की बात करती है, हम तो वोट डालने में भी हिचकिचाती रही हैं। एक दो बार वोट डालने भी गई तो घूंघट काढ़ के। माँ जी वो सब बीते जमाने की बातें हैं। और फिर आप मुझे बताइए कि ये कहाँ लिखा है कि राजनीति, समाज सेवा या अपने इलाके की समस्याओं को सुलझाने का काम सिर्फ पुरुषों का है? पर बेटी चुनाव में तो बहुत सारे जलूसों में जाना पड़े है, भीड़ में धक्का मुक्की भी सहनी पड़े है। कई मुए मर्द तो तेरे को हार पहनाने के लिए आगे आएंगे और कई तो हाथ भी मिला जाएंगे। माँ जी मुझे याद है आप एक बार इंदिरा जी की एक झलक पाने के लिए घंटों धूप में खड़ी रही थी, उनके बारे में तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा। और फिर माँ जी मेरा जो मकसद है ना, उसके सामने इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। राजनीति समाज सेवा का दूसरा नाम है और इसके लिए हम अगर समाज और जनता के बीच नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? पर तेरे मन का मकसद क्या है बहू, ये तो पता लगे। माँ जी मैं अपने इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ की स्वच्छता, सड़कों, लड़कियों की शिक्षा को लेकर मेरे मन में कई योजनाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। पर तू क्या ये सब कर सकेगी? माँ जी मुझे विश्वास है कि मैं लोगों को साथ लेकर चल सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे विचार, मेरी सोच लोगों को जरूर प्रभावित करेंगे। तो फिर भला मैं उन्हें पूरा करने के लिए कदम क्यों ना बढ़ाऊं माँ जी? सच बहू, तेरी बातें सुनकर मुझे तो तुझ पर गर्व होने लगा है। तू चुनाव जरूर जीतेगी, ये मैं जान गई हूँ माँ जी। हाँ बहू। पंडिता रमाबाई ने भारतीय नारी के जिस राजनैतिक स्वरूप को प्रस्तुत किया, अगर वर्तमान के संदर्भ में हम उसका अवलोकन करें तो समझेंगे कि महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का ये अर्थ कतई नहीं है कि ये महिलाएं चुनाव जीतकर ही राजनीति में आएं। आज जरूरत है कि महिलाएं शासन की नीतियों को जानें, राजनैतिक दलों और सरकार के भेद को पहचानें, उन्हें विदेश नीतियों का ज्ञान हो, रक्षा समझौतों की पहचान हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझदारी हो और विकास योजनाओं में भी उनकी भागीदारी हो। इस तरह गलत और सही में अंतर को पहचानने वाली जागरूक महिला ही अन्याय, भ्रष्टाचार और सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पंडिता रमाबाई ने पुणे में प्लेग फैल जाने के बाद उपचार व राहत में आम जनता के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ उठाई थी। आइए सुने उसी विरोध का एक वर्तमान रूप। मुझे समझ नहीं आता प्रभा जी, आप अपनी कॉलोनी के साथ बनने वाले इस ऑफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विरोध क्यों कर रही हैं? हम लोग विरोध क्यों ना करें? आप हमारी कॉलोनी के साथ लगने वाली इस हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट को तबाह करके अपने फायदे के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्स तैयार करना चाहते हैं। पर इसमें अकेले हमारा फायदा ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपके मकानों का भाव भी तो बढ़ेगा। पर इसके बदले हमें क्या खोना पड़ेगा जानते हैं आप? अपने आसपास की हरियाली, साफ सुथरी हवा, बच्चों के खेलने की जगह और वो छोटी सी फुलवारी भी
जिसके एक एक फूल को हम कॉलोनी की औरतों ने मिलकर सींचा है। तो आप क्या समझती हैं? आप मुट्ठी भर औरतें हमें रोक लेंगी? आप शायद नहीं जानती, हमने इसके लिए सब कागजी कार्रवाई कर ली है। तो शायद आप भी आज की नारी की ताकत को नहीं जानते। आप उन औरतों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने पर्यावरण और गरीब जनों के कल्याण के लिए इतनी बड़ी बांध परियोजना तक को रुकवा दिया, कानून तक से लड़ गई थी वो। मैं कहता हूँ आप एक बार फिर से सोच लीजिए। देखिए, सोचना हमें नहीं आपको है कि इस जगह के बदले आप अपना ये कॉम्प्लेक्स और कहाँ बनवा सकते हैं। प्रभा जी, आप तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई हैं। औरत ने जब भी सच्चाई और न्याय का साथ दिया है तो गंभीरता के साथ ही दिया है, और आज नारी की इस गंभीरता, विचारशीलता और मजबूत इरादे की देश और समाज को ज्यादा जरूरत है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आप कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी मर्जी लंबी लड़ाई कीजिए पर आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर किसी स्वार्थ की नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना है। पर्दे के बंधन, परिवार के बंधन, तो कभी चार दीवारी के बंधन, पंडिता रमाबाई ने इन बंधनों को तोड़ने का हर संभव प्रयत्न किया। कभी अपने जीवन का उदाहरण देकर, तो कभी अपनी भाभी राधा और इकलौती बेटी मनोरमा के जीवन में स्वतंत्रता, सबलता और शिक्षा की ज्योति जलाकर, आज भी नारी के कौशल और दक्षता को बंधन मुक्त करने की जरूरत है, ताकि वो हर उस आकाश को छू सके जिसे छूने की वो कल्पना ही करती रही है। देखो बेटी, हमने कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की राहें नहीं रोकी, पर तुम्हारी जिंदगी तो हम दांव पर नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे जीवन पर सिर्फ अपना अधिकार मानते हैं, जबकि मेरा व्यवसाय कहता है कि मैं किसी भी तरह की सच्चाई समाज के सामने लेकर आऊं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी ही क्यों ना देनी पड़े। बेटी, हमने तो सोचा था कि तुम पत्रकार बन रही हो, तो समाचार पत्रों के लिए शहर गांव की खबरें इकट्ठी करोगी, यहाँ वहाँ की घटनाएं समाचार चैनल को भेजोगी, पर तुम एक युद्ध पत्रकार बनकर सरहद पर छिड़ी जंग में हिस्सा लेना चाहोगी और वहां तोप के गोलों और बमों के धमाकों के बीच तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करोगी। ये हमने कभी नहीं सोचा था और ना हम ऐसा होने देंगे। पिताजी, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी भी देश के लिए लड़ रही है। बेशक मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, पर कलम का हथियार तो है। मैं सरहद में जंग की सच्ची खबरें भेजूंगी, देशवासियों को बताऊंगी कि उनकी रक्षा के लिए हमारे जवान किस हौसले और बहादुरी से लड़ रहे हैं। इस तरह देश में वतन परस्ती का जज्बा जगाने में मेरी भी हिस्सेदारी होगी पिताजी। पर तुम एक लड़की हो बेटी, खतरों से भरा ये काम तुम कर सकोगी? पिताजी, आज नारी भला किस खतरे से लोहा नहीं ले रही। सरहद पर मेरी तरह और भी लड़कियां हैं जो जख्मी जवानों की सेवा में लगी हैं। किसी इलाके में जब महामारी फैलती है तो ना जाने कितने डॉक्टर और नर्सेस अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ के मरीजों के इलाज के लिए जाते हैं। अपने भविष्य से बेखबर आज महिलाएं अंतरिक्ष में नई खोज कर रही हैं, हवाई जहाजों को उड़ा रही हैं, पर्वतों की चोटियों पर अपनी विजय पताका लहरा रही हैं, समुद्र की अनंत गहराइयों में जानकारी के नए मोती खोज रही हैं। मुझे बताइए, आज नारी भला किस खतरे पर विजय नहीं पा रही? बेटी, ये मेरी ही भूल थी कि मैंने तेरी शक्ति और साहस को कम आंका, पर अब ऐसा नहीं होगा। तू अपनी कर्म भूमि से सफल होकर लौटे, ऐसी कामना अब तेरे परिवार का हर सदस्य करेगा। हाँ बेटी। ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई। इस धारावाहिक की आज की कड़ी में हमने पंडिता रमाबाई के विचारों, कार्यों और आदर्शों को वर्तमान के संदर्भ में जाना और समझा। इन्हें समझकर अगर आप अपने परिवार की किसी स्त्री, बच्ची, किशोरी
बेटी, बहन अथवा पत्नी को उसका अधिकार दे सकें, तो हम समझेंगे कि यह धारावाहिक अपने मकसद में कामयाब हुआ और साथ ही एक ज्योतिर्पुंज की किरणें सदी भर की दूरी तय करके इस युग में भी आ पहुंची। जी हां, उस ज्योतिर्पुंज की किरणें जिसका नाम है पंडिता रमाबाई सरस्वती। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की अंतिम कड़ी। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार हैं बाबला कोछड़, नरेंद्र जोशी, रजनीश शर्मा, हर्ष बाला, दीपा रॉय, पल्लवी भारती, अविनाश उपाध्याय, शशि शर्मा और यक्षिता श्रीवास्तव। ध्वनि मुद्रक बिपिन। रूपांतरकार राजीव मलिक और कुमार विनोद। निर्देशिका अंजू गुलाटी। तो अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।